दोस्तों आधा वर्ष में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे, वो जो हर जगह डेवलपमेंट की बहुत बात कर रहे हैं, तो हम आज मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ गरीब परिवारों को उजाड़ दिया बुरी तरीके से। वो बरसों से जहाँ वहाँ रहते थे, सिर्फ एक ज़रा सी बात के ऊपर उनको उजाड़ दिया कि वहाँ पर मोदी जी का दौरा होना था। मोदी जी का, ये कोई बाहर का वीआईपी नहीं आ रहा था, उनका दौरा होना था, क्योंकि वहाँ पे आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं, जो आइडियोलॉजी के रक्षक माने जाते हैं, मोदी जी के बड़े प्रिय हैं दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी मूर्ति का अनावरण, यानी उनकी मूर्ति लग रही थी, उसकी मूर्ति कुशाई हो रही थी, 60 फीट ऊंची मूर्ति लग रही थी वहाँ पे। तो लिहाजा वो लोग थे और मोदी जी को उसका अनावरण करने आना था, तो पूरी पूरी झुग्गी बस्ती उजाड़ दी गई। गरीब आदमी फरवरी में उजाड़ी थी, अब तक वो गर्मियाँ निकल गई, यूपी में कितनी भयानक गर्मी वह पड़ती, 49-50 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर जाता है बरसात, और वो बड़े मामूली आदमी, और ऐसे नहीं कि भिखारी हों, वो बांस का सामान बना के बाजार में बेचते थे, और बांस के सामान में जो सूपा होता है साफ करने का, टोकरियाँ पंखे झलने की, कई चीज़ें बनाते थे, यहाँ तक कि अर्थी है वो भी बनाते थे वो लोग, उसी से उनका रोजगार चलता था। अब ये पेंडेमिक में जो चला है कोविड-19 में, उनका व्यापार पूरी तरीके से सब ठप है, क्योंकि अब उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, वैसे ही पड़े हुए हैं। बनारस के जो 80 घाट है बनारस के अंदर, जिसको 80 घाट कहते हैं, 80 घाट जो आगे सबसे पहला घाट 80 कहलाता है, इसके बाद घाट है 80 घाट, बड़ा मशहूर है वहाँ पे। आपको पूरे बनारस के साहित्यकार कवि सब बैठे मिल जाएंगे शाम को, और होती वो ऐतिहासिक, उसके बाद फिल्म भी बनी थी लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुई, जाने क्यों नहीं रिलीज़ हुई, इसमें सनी देओल हीरो थे लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई है। 80 घाट बहुत मशहूर जगह है, वहीं से कई 80 घाट शुरू होते हैं जो बनारस के गंगा के ऊपर हैं, गंगा तट पर हैं। एक राजघाट है, राजघाट जहाँ से मालवीय पुल शुरू होता है, वो मालवीय पुल से बनारस से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को, क्या कहना चाहिए, दूसरे पूरे उत्तर प्रदेश और भी जगह से वो जोड़ता है, जो मालवीय है उसी के बिल्कुल नीचे खुजाबाद है, जहाँ धारकर जाति रहती है जो बरसों से वहाँ रहती थी। इनका धंधा बांस की टोकरियाँ, पंखे, सूप, अर्थियाँ सब बनाने का था, बांस की चीज़ें बनाते थे, जो झोपड़ी में रहते थे। यहीं पर पंडित दीनदयाल 60 फिट की मूर्ति उनकी लगना थी। मूर्ति लगाने का शौक हमारे भाजपाइयों को बहुत ज़्यादा, वो जहाँ देखो वहाँ मूर्ति लगा रहे हैं, जहाँ देखो, अच्छा उसमें होड़ भी लगी हो, कोई 60 फिट की लगाता तो दूसरा 100 फिट की लगा देता, फिर 150, 200, 500 जहाँ ने कहाँ तक पहुँच रही हैं मूर्तियाँ। यानी अब तो जो हमारे हैं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बड़ी मूर्ति लगाने का ठेका योगी जी ने ले रखा है कि वो लगाएंगे श्री रामचंद्र की मूर्ति, उससे भी बड़ी। अब उसका क्या होगा, कैसे क्या होगा, मूर्ति है रामचंद्र की, होना चाहिए, घर घर है, लेकिन वो लगाएंगे उसकी, क्यों लगाएंगे ये पता नहीं, शायद ऐसे उम्मीद में लगाते होंगे जब उनकी भी मूर्ति कभी लगेगी। इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए जिस दिन प्रधानमंत्री बना था, उससे 2 दिन पहले उनकी सुरक्षा के नाम पर 100 झुग्गियों की ये बस्ती थी, उसको उजाड़ दिया। अब 100 झुग्गी में अगर 4 आदमी भी रहते हो तो 400 आदमियों को बेघरवार कर दिया इन लोगों ने। तब से अब तक, यानी फरवरी से अब नवंबर ख़त्म होने वाला है, वो लोग उसी तरीके से खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। इनका दर्द है कि वैसे तो इनका धंधा चल ही नहीं रहा है, कोई सामान खरीद नहीं रहा है कोविड महामारी की वजह से। अब इनका सहारा चंद सामाजिक संस्थाओं के पास है, वो आके उनकी मदद करती हैं, कभी जो इकट्ठा होता है खाना वाना उनको देते हैं, बेचारे उसी में पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि मोदी जी ने खुले में शौच को अपराध बना रखा है, तो वहाँ 1-2 शौचालय थे, उनको भी तोड़ दिया सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि मोदी जी वहाँ पे उद्घाटन करने आ रहे थे। ये एक अजीब सी चीज़ देखी, गरीब बस्तियाँ उजाड़ना, उनके आगे दीवार लगाना, जिस तरीके से
जब ट्रंप आए थे, गरीब बस्ती थी उसके ऊपर सामने दीवार बना दी गई थी। वो दीवार तो चीन से की दीवार से भी ज़्यादा मशहूर हुई थी, वो इंटरनेशनली उसकी कवरेज हुई थी और मजाक उड़ाया गया था। ये भी उसी तरह की कि क्या मोदी जी को पता नहीं कि भारत में गरीबी हो, बस्तियाँ छोटी छोटी बस्तियाँ हैं जिनको गंदी बस्तियाँ कहा जाता है। मोदी जी ऐसी बस्तियों जो मुसलमान रहते हैं उनकी बड़ी बुराई भी कर चुके हैं, कई चीज़ें कह चुके हैं कि ये बच्चा पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं, एक्स वाई जेड इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये बस्ती यहाँ तो बेचारे मजदूर किस्म के रोज खाना रोज कमाने वाले लोग रहते थे, उनको उड़ा दिया। जिला अधिकारियों ने जब कोई बात पता चली तो वो इस ज़मीन को कहते हैं कि सरकारी ज़मीन है, जब जो संस्थाएँ काम कर रही हैं जो उन्होंने जाके शिकायत की साहब इनको ज़मीन दी जाए, इनको रहने को दिए, उनका ये सरकारी ज़मीन है, इस पर कुछ नहीं हो सकता है। अब एक बात समझ में नहीं आती थी कि एक मूर्ति स्थापित करने के लिए, और वो भी दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो इन अगर वो होते जिंदा तो ये ऐसा कभी नहीं होने देते, उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए इस तरीके से सैकड़ों झुग्गियाँ गिराई जाएँ और उनके लोगों को बेघरवार कर दिया जाए, उनका कोई पूछ भी ना हो। और ये काम भी कहाँ हो रहा है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, जहां पर इस दिवाली में मोदी जी ने 1,700 करोड़ बनारस के को दिए हैं, 30 विकास परियोजनाओं का उन्होंने यहां पर शुभारंभ किया है, वहां ये हालत है, देखने की बात है साहब। कथनी और करनी का फर्क यही नजर आता है। और ये सैकड़ों लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति की स्थापना के ऊपर विस्थापित हुए हैं, जो गरीबों के सेवा में रहते थे, जनसंघ में थे, कहीं तक उनके अगर मैंने कहा ना कि अगर वो होते तो ये काम कभी ना होने देते, लेकिन उनके चेलों ने शिष्यों ने ये काम किया। दर्द नहीं उठता है किसी के विस्थापित करने में, झुग्गियाँ तोड़ने में, अरे भाई तोड़िए झुग्गियाँ तो उनको बसाइए कहीं पर, ये नहीं होता है, बस तोड़ना। और ये तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, जिसकी खबर कहीं अखबार में नहीं आएगी, ये तो एनजीओ बताते हैं, कहीं छुटपुट थोड़ी बहुत लोकल अखबारों में छप जाती है, हिंद वॉइस वहीं से खबर उठा के उसकी पड़ताल करके आप तक पेश करता है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।